हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल त्रिशास किचन। त्रिशा के किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं झटपट बनकर तैयार होने वाली आलू की फ्रेंच फ्राइज। अगर आपका नाश्ते में कुछ खाने का मन किया हो तो आप एक बार इसको बना के ज़रूर ट्राई करिए, या फिर आपके घर कोई मेहमान आ जाए, आपको नाश्ते में कुछ बनाना हो, कुछ समझ ना आए, तो आप इसे 5 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम बनाते हैं अपनी रेसिपी। हमने लिए हैं कच्चे आलू। इन आलूओं को हमने अच्छी तरह से छील लिए हैं, इनके छिलके निकाल लिए हैं हमने। इसके बाद हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। देखिए, हमने काट लिए हैं इसे, और एक तरफ हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी भी गर्म हो चुका है, अब हम इन आलूओं को इसमें डाल देंगे। उसके बाद इसे ढककर हम बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। आलू हो चुके हैं हमारे बॉयल, अब हम इसे एक छन्नी में डाल के इस तरह से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो इन आलूओं को मिक्सी में भी डाल के पीस सकते हैं। आप चाहे तो बड़ी छन्नी ले सकते हैं, मेरे पास छोटी छन्नी है इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। इस तरह से सारे आलूओं को मैश करके निकाल लेना है। तो चलिए हम फटाफट सारे आलूओं को निकाल लेते हैं। ये देखिए, आलू को हमने निकाल लिया मैश करके। अब डालेंगे हम इसमें 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच नमक। उसके बाद हमें इसमें डालना है चावल का आटा। अब इन सबको हम एक साथ मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें 1 चम्मच बेसन भी डाल सकते हैं इसकी बाइंडिंग के लिए। हमें इन सबको एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से हाथ में लेकर गोल गोल बॉल जैसे बनाएंगे, और आगे से इसको हल्का सा प्रेस करके इस तरह से शेप देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें इसका शेप देना है। चलिए मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। इस तरह से बॉल बनाएंगे, उसके बाद आगे से इस तरह से प्रेस करके इस तरह से शेप देंगे। इसी तरह हम अपने सारे शेप बना लेते हैं। देखिए, हमने बना लिया है इसे। दूसरी तरफ हमने कढ़ाई में तेल रख दिया है गर्म होने के लिए। ये देखिए, तेल भी गर्म हो चुका है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। इसके चारों तरफ हमें चावल का आटा लगाना है, उसके बाद हमें इसमें फ्राई करना है। देखिए, चावल के आटे से इसे चारों तरफ से कोट करेंगे, उसके बाद इसे तेल में फ्राई करेंगे। याद रखिएगा, हमें इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है, मीडियम या हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है। अगर हम इसे मीडियम या फिर हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ये तेल में बिल्कुल हलवे जैसे हो जाएंगे, इसलिए हमें इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है। ये देखिए, हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। हमें इसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करने हैं। हमने इसमें चावल के आटे से कोट करके तब इसे फ्राई किया है। आप चाहे तो इसे बिना चावल का आटा लगाए भी इसे फ्राई कर सकते हैं। इसमें जो हमने काली मिर्च और लहसुन डाला है, इन दोनों का टेस्ट जो है काफ़ी अच्छा निकल के आता है इसमें। आप एक बार इस नाश्ते को ज़रूर बनाइए।
अगर आपके घर मेहमान आते हैं तो आप फटाफट इसे बनाइए और उन्हें टेस्ट कराइए। देखिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। हमने इसे एक ही बार फ्राई किया है तेल में, आप चाहे तो इसे सेकंड टाइम भी फ्राई कर सकते हैं, उससे जो है नाश्ता थोड़ा और क्रंची होगा। देखिए हमारा नाश्ता बनके तैयार है। आप एक बार इस नाश्ते को ज़रूर बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। आप इसे टोमेटो केचप या फिर हरी चटनी के साथ में भी ले सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। चलिए हम मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।